अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, BCD Tech के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है बिल्ड स्किल का एक पेंट स्प्रेयर विथ ब्लोअर, मॉडल है BPS 1300, और देख लीजिए 650 वाट मोटर के साथ आता है। इधर को आपको इस की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। बिल्ड स्किल का प्रोडक्ट है, 1.3 मीटर हॉर्स के साथ आता है, 1.8 मीटर पावर कोर्ड भी आपको मिल जाएगी। स्पीड है 3000 RPM, नोजल का साइज है 2.5 mm, किसी भी एंगल पर वर्क करता है। अब आपको यहाँ पर ब्रश या रोलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस टाइप की चाहिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो MRP लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर वो है 3799 रुपये, बट आपको ये अमेजन के ऊपर 1799 रुपये का मिल जाएगा। तो मैंने भी अमेजन से ही मंगवाया, और यहाँ पर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर का एड्रेस दे सकते हो, कस्टमर केयर का नंबर दे सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस साइड चलते हैं, तो इस साइड आप देख सकते हैं कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी है। ये आपका हैजर्ड्स प्रोडक्ट है, मतलब कि आपको यहाँ पर खतरा हो सकता है, तो फिलहाल आप प्रिकॉशंस रखें इसको यूज़ करते वक्त। और ये आपका रिसाइक्लेबल बॉक्स है, इधर को भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है। और इधर को आपको क्या रिकमेंडेड है कि आपको सेफ्टी गॉगल्स पहने हैं, कुछ हियरिंग प्रोटेक्टर पहने हैं, तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मॉडल देख लीजिए, वोल्टेज 220 वोल्ट, 50 हर्ट्स वाली AC पे काम करेगा, 650 वाट की यहाँ पर पावर है, 2.4 एम्पीयर करंट कंज्यूम करता है, स्पीड 3000 RPM है, और EAN कोड देख लीजिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल बॉक्स में और कुछ नहीं है, नीचे को कुछ नहीं है, तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। कोई यहाँ पर सिक्योरिटी सील नहीं है, आप इसको डायरेक्टली अनबॉक्स कर सकते हो। तो ये हो गया इसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर है 1.3 मीटर की हॉर्स पाइप, ब्लैक कलर की दे रखी है इन्होंने, और ये है स्प्रेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है ब्लोअर की नोजल। तो ये है आपका एक तरह से कंटेनर जिसके अंदर आप पेंट डालोगे, जिसको स्प्रे करना चाहते हो। और ये है आपकी मेन मशीन, आप देख लीजिए, ये है यहाँ पर आपकी मेन मशीन। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, इस पर मैं बाद में आता हूँ। और क्या मिल जाएगा, एक बेल्ट मिल जाएगी, और साथ में है यूज़र मैनुअल। तो ये है बॉक्स कंटेंट, देख लीजिए। तो इसके अंदर है एक किप्पी जिसके जरिए आप इस पॉट के अंदर पेंट डाल सकते हो। पॉट है, एक हॉर्स है, एक लोअर की नोजल है, मेन यूनिट है, स्प्रेयर है, एक बेल्ट दे रखी है, और एक मैनुअल है। तो आइए आपको मैं मैनुअल दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये है मैनुअल जो साथ में मिला हुआ है, बिल्ड स्किल का BPS 1300 का मैनुअल। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, तो इसके जरिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या कहाँ लगे हुए हैं, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। कैसे इसको सेटअप करें और क्या इसके साइजेस हैं ब्रशेस के, जो यहाँ पर स्प्रे करोगे तो नोजल को आप कैसे एडजस्ट करोगे, तो ये यहाँ पर बता रखा है। अगर आपको ऐसा वर्टिकल डायमेंशन चाहिए तो आपको इस नोजल को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा ऐसे करके। अगर आपको ऐसा वाला स्प्रे चाहिए तो आपको इस नोजल को ऐसा रखना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर अगर सर्कुलर स्पॉट चाहिए स्प्रे के वक्त, तो आपको इसको ऐसा रखना पड़ेगा। तो इस टाइप की सारी फीचर्स फंक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये है इसका यूज़र मैनुअल। और बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी सी बेल्ट मिलती है जिसके ज़रिए आप इस जो यूनिट है उसको कैरी कर सकते हो, मतलब कि जब आप यहाँ पर स्प्रे कर रहे हो तो, क्योंकि आपके ये जो हॉर्स पाइप है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ऐसे केस में आप हर जगह पर तो ले जा नहीं सकते हो, तो इसे ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने एक एक्सटेंशन बोर्ड के साथ इसको कनेक्ट कर लीजिए और इसको टांग लीजिए अपने शोल्डर के ऊपर। उसके लिए आपको यहाँ पर एक बेल्ट भी दी गई है। तो ये हॉर्स पाइप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। हार्ड होने की वजह से यहाँ पर दिक्कत है कि आप इसको ज़्यादा फ्लेक्सिबली यूज़ नहीं कर सकते हो। बाकी अगर इस पॉट की बात करें तो ये पॉट आपका यहाँ पर करीबन 1 लीटर तक पेंट को स्टोर कर सकता है। और अगर यहाँ पर स्प्रे गन की बात करें तो ये आपकी स्प्रे गन है, देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर एयर डक्ट होगी, और ये यहाँ पर इनपुट इसका हो गया, ये आपका स्प्रिंग नोजल होगी, और ये इसका ट्रिगर हो गया। और ट्रिगर में आपको ये स्क्रू मिल जाएगा जिसके जरिए आप यहाँ पर पेंट की कैपेसिटी को ट्यून कर सकते हो। ये है आपका यहाँ पर मेन ब्लोअर यूनिट, 650 वाट की मोटर है इसके अंदर, मैं आपको दिखा दूँगा अभी थोड़ी देर में। स्विच है यहाँ पर, ऑन ऑफ स्विच है, और ये इसका आउटपुट नोजल होगी, और ये आपका एक कॉर्ड होगी। और दोस्तों साथ में ये भी मिल जाएगा, ये शायद नीचे गिर गया था। तो ये है इसका ब्लोअर यूनिट, मतलब कि आप इसके साथ पेंट भी कर सकते हो और यहाँ पर डस्ट को उड़ा भी सकते हो। तो अब ये ब्लोअर बन जाएगा यहाँ पर लगाते ही, अब यहाँ पर एक हाई प्रेशराइज एयर निकलेगी जिसके जरिए आप ब्लोइंग एक्शन कर सकते हो। तो काफ़ी प्रेशराइज एयर निकाल रहा है, तो ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पर अगर किसी डस्ट को उड़ाना चाहते हो तो इसको आराम से साफ सफाई के काम में भी लगा सकते हो। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर ब्लोअर यूनिट। और अगर आप यहाँ पर स्प्रे वाली यूनिट को यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे केस में
आपको ये जो हॉर्स पाइप है इसको यहाँ पर लगाना होगा, ये भी ऐसी कुछ जाएगी, और उसके बाद जो दूसरा एंड है इसका उसको लगा देना होगा इस एंड के साथ। तो अब आपका यहाँ पर ये जो स्प्रे यूनिट है ये तैयार हो गई है, तो आप इसके ज़रिए आप स्प्रे कर सकते हो। बस ये कि आपको पेंट डालना है इसके अंदर और इसको बाद में फिट कर देना है। तो अभी स्प्रे के लिए तैयार है, तो स्प्रे करने से पहले आपको इस यूनिट को ऑन करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत है, अगर आप इसके साथ स्प्रे करते हो, क्योंकि यहाँ पर ये हाई प्रेशराइज एयर को भेज रहा है और ये जो नोजल है वो काफ़ी छोटी, यहाँ से एयर बाहर निकल रही है, तो ऐसे केस में हीटिंग हो सकती है, मतलब कि आपकी ये यूनिट भी गर्म हो सकती है, ये जो हॉर्स पाइप है ये भी गर्म हो सकती है, कनेक्टर्स भी गर्म हो सकते हैं, तो ये दिक्कत होती है इन स्प्रे पेंट के साथ। तो ये नॉमिनल है, ये यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा, मतलब कि आप सोचो कि नहीं मेरी यूनिट गर्म हो रही है औरों की नहीं हो रही होगी, ऐसा नहीं, सभी की गर्म हो रही होगी और ये यहाँ पर नॉमिनल है। तो यहाँ पर दोस्तों ये है प्रोडक्ट, आइए अब इस प्रोडक्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है और इसके इंटरनल कंपोनेंट क्या हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं खोलने जा रहा हूँ, तो इसको खोलना है, तो खोलने के लिए आप देख लीजिए स्क्रूज हैं काफ़ी, तो ये दोस्तों खुल चुका है, आइए अब इसको निकाल देते हैं। तो ये निकल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी मोटा और काफ़ी तगड़ा प्लास्टिक दिया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर को इसको सक भी करना है और साथ में ब्लो भी करना है, तो ऐसे केस में प्लास्टिक का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्लास्टिक को इस्तेमाल किया गया है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये है इसके कंपोनेंट, देख लीजिए ये है इसके कंपोनेंट, एक स्विच है और लाइन और न्यूट्रल दोनों को यहाँ पर कट डाउन कर देगा अगर आप इस स्विच को ऑफ कर दोगे, और ये है इसकी यहाँ पर मोटर, तो फिलहाल देख लीजिए काफ़ी हैवी ड्यूटी मोटर है, और यहाँ पर एक ब्लोअर है, देख लीजिए ये जो ब्लोअर के कटआउट हैं तो ये आपके घूमते हैं, और जैसे ही घूमेंगे तो आपके जो एयर है वो आपकी बाहर की साइड को पुश की जाएगी। तो फिलहाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये आपका काफ़ी टाइट भी है, तो आप देख लीजिए ये इतने आराम से नहीं घूमने वाला मेरे हाथों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वही मोटर है जो कि ब्लेंडर के अंदर थी, मतलब कि हैवी ड्यूटी मोटर है, और ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस को यूज़ किया गया है, और आउटर कॉइल भी है और इनर कॉइल भी है, मतलब कि यहाँ पर आर्मेचर के ऊपर भी कॉइल मिल जाएगी और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटाइज कर रही हैं वाली कॉइल भी मिल जाएगी। तो फिलहाल ये है इसका डिज़ाइन, देख लीजिए, और ये मोटर है, ये काफ़ी पावरफुल मोटर है जो कि यहाँ पर काफ़ी स्पीड में एयर को सक कर रही है, तो आप देख लीजिए। तो ये है इसके इंटरनल कंपोनेंट, एक काफ़ी हैवी ड्यूटी एसी मोटर है इसके अंदर, एक स्विच है, केबल है और प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो फिलहाल ये है इस ब्लोअर के कंपोनेंट। तीन हज़ार RPM, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल मोटर है, और ऐसे केस में बिल्कुल भी गलती ना करें इसको ऐसे ओपन करके घुमाने की, मैं तो दिखाने के पर्पज़ से आपके सामने कर दिया, बट आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करें। तो फिलहाल आपने इसके इंटरनल कंपोनेंट देख लिए, आइए अब इसको असेंबल कर देते हैं। तो ये मोटर यहाँ पर असेंबल हो चुकी है, अगर यहाँ पर आप इस गन को देखोगे, देख लीजिए कुछ कमाल की गन है। तो इसमें होता है क्या है कि यहाँ पर आप एक हाई प्रेशराइज एयर को भेजते हो, और यहाँ पर एक लगी हुई कैपिलरी, अब आप यहाँ पर हाई प्रेशराइज एयर को भेजते हो तो ये होता है क्या है कि जो कैपिलरी से ना ये सक्शन प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे केस में अगर आपकी जो एयर है वो काफ़ी प्रेशर से ब्लो कर रही है और सामने एक कैपिलरी रखी हुई, तो क्या होगा, कैपिलरी के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और ये वैक्यूम क्या करेगा, यहाँ पर जो नीचे लिक्विड है उसको सक करेगा, तो इस टाइप से यहाँ पर ये वर्क करता है। आइए अब इसको ले चलते हैं फील्ड में। तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है अपने पावर मीटर के साथ, और यहाँ पर आप पावर दे सकते हो, 570 वाट ये कंज्यूम कर रहा है। आइए अब एक वॉल को पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अटैच कर चुका हूँ, और देख लीजिए काफ़ी स्मूथ ये स्प्रे कर रहा है, थोड़ा सा शोर कर रहा है, बाकी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी है इस प्रोडक्ट ने। आइए अब इसके आगे याली नोजल लगा देते हैं और उड़ाते हैं कुछ कचड़े को। तो मेरे सामने है कुछ कचड़ा, तो मैं इसको उड़ाने जा रहा हूँ, देख लीजिए, तो काफ़ी पावरफुल ब्लोअर है और आराम से इसने इस कचड़े को उड़ा दिया। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हो तो इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट थोड़ा सा गर्म होता है, नॉमिनल है, आप इसको लगातार मत यूज़ कीजिए, एक मिनट दो मिनट तक इसको कंटिन्यूस चलाइए, उसके बाद एक दो मिनट तक इसको ऑफ कर दीजिए, तो इस टाइप से आप इसको यूज़ कीजिए, आप इसको कंटिन्यूस मत यूज़ कीजिए। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मैं इसको रेकमेंड करता हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, डिस्क्रिप्शन लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।